सो हाउ माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए, जैसे कि आपको पता है मैं रेगुलर एक वीडियो लेकर आता हूं, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मॉडल लेकर आ रहा हूं जिसका ना एक स्कीमेटिक डायग्राम है, रियलमी के स्कीमेटिक ना के बराबर है मार्केट में, जैसे कि वीवो वैसे ही है। ये जो मॉडल है दोस्तों, ये मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी काफ़ी झूमता हुआ मॉडल है। तो ये है रियलमी 8i। तो रियलमी 8i, और अगर हम बात करें इसकी पावर एसी का, तो आपको इसकी पावर का सुगेंस भी पता चलेगा इसके बक का। तो हम बात करेंगे आज रियलमी 8i और इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक का सर्किट। तो आइए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं सेक्शन पर, कि इसके बेसिकली अगर आपके पास ये डेड फोन आता है तो आपको किस किस कॉइल पे क्या क्या वोल्टेज चेक करना है, ताकि आपको पता हो जाए और आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ये नॉलेज बहुत ख़तरनाक होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों जो मेरा पावर होने वाला है मीडियाटेक में, ये पावर काफ़ी अपग्रेड है, डब्ल्यू सीरीज़ का है। जैसे कि अभी अपन ने CRV सीरीज़ देख रहे होंगे, MRV देख रहे होंगे, ये सीरीज़ डब्ल्यू सीरीज़ है। तो आपका जो पावर यहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है MT63 और ये होने वाला है इसके बाद में 63। तो MT6366, ओके MT6366, तो ये आपका जो पावर होने वाला है MT6366W, ये आपका पावर होने वाला है। आप चाहो तो इसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, ये पावर आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है MT6366W। तो ये पावर काफ़ी लेटेस्ट पावर है। अगर आपके पास ये पावर आता है तो इस पावर में आपको कॉइलें कितनी देखने को मिलेंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 बक सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सो आइए देखें कि कौन कौन सा बक क्या क्या वोल्टेज बनाता है, और वोल्टेज बनता है कि भी नहीं बनता है, और किस पर वोल्टेज बनता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, जो मैं पावर का नंबर फिर से लिख देता हूँ, तो ये है MT6366W, ये मेरी पावर है। आप अगर दोस्तों बक वोल्टेज बना रहे हैं, आपके नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको बूट सिक्वेंस नहीं पता कि क्रिस्टल कब ऑन होता है, कब मेरे बक बनते हैं, या फिर बेसिकली किसकी वजह से बक नहीं बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ नॉलेज के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में मात्र 3 या 4 ही सीट बची हुई है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बट वो 1-2 दिन में भर जाएगी। सो आपको तरुण, आपको अभी कभी कॉल करना पड़ेगा 7000731192 MD सर को, ठीक है। और जिनको सीट नहीं मिल रही है, मैं ये कहूँगा कि अगले महीने के लिए पहले से बुक करा लो, क्योंकि हम लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा जो ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कभी भी पढ़ा लेंगे, कि कभी भी एडमिशन दे देते हैं, बीच में तीसरी क्लास में हम एडमिशन दे देंगे, या ऐसा हमारे पास कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को शुरुआत में काउंसलिंग से बुलाते हैं और उसके हर तरह के फंडे क्लियर करते हैं, और तब जाके हम उसको बुलाते हैं। सिर्फ फीस लेना या इंस्टीट्यूट में एडमिशन देना हमारा काम नहीं होता है। सो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर इतने सारे कॉइल्स लगे हैं, और इतने सारे कॉइलों को अगर हम देखें, तो सबसे पहला कॉइल जो आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका लोअर LDO है। यहाँ पर आपको लोअर LDO, जैसे कि आपको पता है मीडियाटेक के अंदर VS2 बोला जाता है, और इसको हम अगर बात करें तो ये 1.3 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि इसके अंदर ही एक पैड में जाएंगे, क्योंकि ये LDO सेक्शन मतलब वी रैक को ऑन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो कॉइल आप देखने वाले हैं, ये वाले कॉइल पर, तो इस कॉइल पे भी आपको कुछ 1.1 या 1.0 या 0.9 इस तरह के वोल्टेज देखने को मिल सकता है। ये VDRAM का है और ये रैम IC के अंदर आपका सप्लाई जाएगा, तो ये वोल्टेज जो आपको जाएगा 0.6 भी हो सकता है, 1.1, ये मुझे आप चेक करके बताइए। अगर आपके पास, जितनों के पास भी जो पावर है 6366W, उसमें आपको एक कॉइल पर क्या वोल्टेज मिलने वाला है, तो ये आपको 1.3 के बगल वाला मिलेगा। उसके बगल वाला आपको मिलेगा, इसमें आपको मॉडेम की सप्लाई है, ये मॉडेम की सप्लाई मीडियाटेक में 0.8, 0.9 इस तरह से आपको देखने वाली है, 0.7 ये आपको मिलेगी, ठीक है। और अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इस कॉइल में आपको मिलेगा वी कोड की सप्लाई, तो यहाँ पर भी आपको 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये वोल्टेज भी आपको मीडियाटेक के फ़ोनों के 6366W के सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद की कॉइल की बात करूँ, तो इसके बाद जो मेरा ये कॉइल लगा हुआ है दोस्तों, ये मेरा GPU का कॉइल है, तो यहाँ पर भी आपको 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का कॉइल है, तो इसका भी काफ़ी हद तक काम होता है, इसका काम का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर और इन दो कॉइलों की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी कॉइल आपस में कनेक्ट नहीं है, पहली बात, जैसे कॉल कम में होता है, 3-3 कॉइल आपस में कनेक्ट होते हैं, 2-2 कॉइल आपस में कनेक्ट होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर आपको मिलेगा V प्रोसेसर 12 और यहाँ मिलेगा V प्रोसेसर
11, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोनों पर आपको 0.7, 0.7, 0.8 इस तरह के वोल्टेज देखने मिलेंगे, जो कि 0.6 टू 1.1 एक मिनिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, जो कि कोर प्रोसेसर के लिए होते हैं, जो सीपीयू के कोर को ऑन करते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कॉइल को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये है VPA का कॉइल, ये जाता है आपके नेटवर्क के, वो भी 4G PFO को, ठीक है। वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर इसको कहा जाता है, और ये APT मॉड्यूलेटर जैसा होता है, क्योंकि MediaTek में APT IC नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में ये जो यहाँ पर कॉइल आपको देखने को मिलेगा, ये हाई LDO है, मतलब VS1 की सप्लाई है, जो कि आपको दो वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारे आपको वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप इसका फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, ताकि भविष्य में इस पावर सिक्वेंस का फायदा उठा सकें देवेंद्र अग्रवाल के चैनल से। और इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यार एक छोटे से वीडियो में बहुत सारा चीज़ देने को मैंने बोला है। अगर अब ये आपको मिल गया हो सिक्वेंस के साथ, तो दोस्तों जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, उनको थोड़ा थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल नए, एकदम नए हो ना आप फील्ड में, हो कि नहीं हो, हो तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि MediaTek के अंदर ना WTR नहीं आती। सो डोंट से एनी मोर WTR, दिस वर्ड इज नॉट गुड फॉर एज टेक्निकल पर्सन, जो कि आप बने हैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके, तो प्लीज़ डोंट यूज़ द वर्ड ऑफ WTR फॉर एनी CPU, क्योंकि WTR एक वायरलेस ट्रांसीवर है जो कि वर्क करता है केवल कॉलकम के MSM CPU पर। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या काम करता है, तो यहाँ पर अब मैं हालांकि इतना रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा पेड कंटेंट में है, और पेड क्या है, मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ कि अच्छे स्टूडेंट सीखे, मैं नहीं चाहता कि चीज़ें यहाँ पर। आप मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा भाई। SDR पे भी हमने बहुत पहले एक वीडियो बना चुका था, WTR पे भी हमने बहुत पहले वीडियो बना चुका था, और MediaTek पे बना है। ये इसका आप कह सकते हैं ट्रांस रिसीवर सेक्शन है, और इसको कई लोग इसको RF भी बुला सकते हैं, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन, इंटरमीडिएट, इस तरह से कुछ भी नाम ले रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि RF इसको कहेंगे और ट्रांस रिसीवर इसको कहेंगे, बट ठीक है, कुछ नहीं, जो फाइनल है, जो एक्चुअल में है, वो उसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये 2G IC है, और ये 3G और 4G मॉड्यूल लगा हुआ है, और अगर ये 5G को सपोर्ट करता है, तो 5G को अगर सपोर्ट करता है, क्योंकि 5G के लिए एक अलग ही PFO होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, इस पूरे फ़ोन को थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा मॉड्यूल देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको ये BQ सेक्शन देखने को मिल रहा है, एक टर्बो चार्जर, मतलब यहाँ पे एक चार्जिंग और है, यहाँ पर उन्होंने P सेक्शन लगा के रखा हुआ है, तो ये मेन पावर, ये मेन चार्जिंग है, ये टर्बो चार्जर है, ये इसकी वाईफाई सेक्शन है। आइए थोड़ा सा अगर इसके कंपोनेंट की डिटेलिंग करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाए। तो भैया ये इसका टर्बो चार्जर है, ये इसका सब पावर है, और इसका भी एक नाम होता है, और वो नाम क्लास में बताया जाएगा, बट अभी फ़िलहाल ये सब पावर है। एज इसको आप चार्जिंग IC भी ले सकते हैं, मेन चार्जिंग। ये आपका CPU है, ये इसमें MMC, अब इसमें MMC है, MMCP है या UFS है, ये आपको पता करना आना चाहिए। ये इसका वाईफाई है, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये जो IC होती हैं, सेंसर्स IC होती हैं, ये सारे कैमरा कनेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी IC हैं, MediaTek में छोटी छोटी IC का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो हम यहाँ पर चले देखें, हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ये वाले पेज में ले जाते हैं। देखिए हम ये वाले पेज में ले गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ एक लैग IC है। तो ये जो IC है, ये सेक्शन वाइज IC है दोस्तों, इनका ये जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि इनमें से हो सकता है कि USB लॉजिक, एक CC लॉजिक जिसको टाइप सी कनेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, या तो एक नॉर्मल USB कनेक्शन है जिसमें बेसिकली आपके DP/DM की लाइन जा रही है, या टाइप सी के C1 CC1 या चैनल कॉन्फ़िगरेशन 1 या चैनल कॉन्फ़िगरेशन 2 की सप्लाई यहाँ पर जा रही है, तो ये लाइन आपको देखना है।
अब इसमें अगर हम ग्राफिक्स और लाइट की बात करेंगे तो भैया वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि आपको लाइट सेक्शन यूज़ किया गया है और यहाँ पर ग्राफिक्स सेक्शन भी यूज़ किया गया है। ग्राफिक्स सेक्शन के लिए एक अलग से यहाँ पर आईसी हो सकती है, सो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आईसी आप देख रहे हैं तो ये आईसी आपकी यहाँ पर स्पीकर एम्पलीफायर आईसी, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, इसको यहाँ पर ट्रेस भी कर सकते हैं। ये आपका क्रिस्टल है जो कि 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के लिए। ये आपकी DRX आईसी है ये आपका, और ये जो छोटे छोटे हैं इनको हम बेसिकली कंबाइनर स्विचर इस तरह से कहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ये नए नए सर्किटों को सीखना चाहते हो, इनका ज्ञान लेना चाहते हो, एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हो, क्योंकि ईसर टेलीकॉम अपने स्टूडेंट के दो तरह के बात करें तो एक माइलस्टोन क्रिएट करता है। हम यही सोचते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बेसिकली सेट जो बनाए वो सेट होने चाहिए दुकानदार के, ना कि कस्टमर के। कस्टमर को तो आप नॉर्मली हर कोई हैंडल कर सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है, एकदम साफ़ सुथरा काम होता है, काम करना उसमें होता है जो दुकानदार के होते हैं। और दूसरा माइलस्टोन होता है कि हमारा स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट 10-10 5-5 स्टूडेंट को पढ़ाना चालू करे एक समय सीमा के बाद जो हम निर्धारित करते हैं उसके लिए, और उसको हम पूरा सपोर्ट भी करते हैं उसके लिए। तो अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो इसे टेलीकॉम के साथ ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करना। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग। 8 घंटे की क्लास चलती है, 12 घंटे होता है क्लास। यस सर। तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू रिमाउंटिंग। सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किस किस लिए करा ये? यस सर। सबने करा? यस सर। एक बार करा कि बार बार करा? बार बार करा। कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? यस सर। परफेक्ट। सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर। यस सर। तीसरे दिन पावर किस किस लिए करा था? यस सर। सबने किया था? यस सर। और चौथे दिन आपका सीपीयू? यस सर। तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? यस सर। सबका? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। इधर? यस सर। तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार की हो सर? आज ईमानदार आज मेरा तीसरा चौथा दिन है एशिया टेलीकॉम जवान होते हुए। आज मैंने 6E 6A 4G मोबाइल को सीपीयू निकाल कर और डाला, ऑन भी हो गया, ऑन बोर्ड में से निकाल कर डाला हूँ, प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। कितने बार मजा रन हुआ सर? ये वन टाइम में। पहले फ़ोन चालू था ऑन था। और आपने सीपीयू को माउंट माउंट किए? यस। फ़ोन फिर से चालू हो गया? यस। तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, एशिया टेलीकॉम का MD सर को भी, प्रैक्टिकल कराने वाले सर को भी थैंक यू, सारे सर को थैंक यू, एशिया टेलीकॉम को थैंक यू दे देते हैं। आज हमारा चौथा दिन था एशिया टेलीकॉम में। आज हमने मॉर्निंग में सीपीयू रिबॉलिंग का, माउंट रिमाउंट का प्रैक्टिस किया पहले। बाद में हम लोग ने चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाला और वापस से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और ये हमारा जॉब डन हो गया। आज तक हमने सीपीयू पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक ही बार में डन हो गया सीपीयू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, और थैंक यू MD सर। जी बताइए सर, आज 4G हैंडसेट से क्लास का चौथा दिन था सर। 4G हैंडसेट से हम लोगों ने सीपीयू निकाला सर और यूनिवर्सल से रिवॉल्व करके डाला तो चालू हो गया सर। अच्छा, यूनिवर्सल हैंडसेट से रिवॉल्व किया आपने? यस सर। कितने बार मुझे डन हुआ आपसे? पहले बार में डन हुआ। फर्स्ट टाइम में ही कर ली? यस सर। थैंक यू।